नमस्कार दोस्तों, सीतापुर रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज मैं एक नई रेसिपी लेकर, तो जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम में ही सरसों की बुआई होती है। तो मेरे यहाँ सरसों बोया जा चुका है, तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं दोस्तों। तो आज हम उसी की रेसिपी आपको बनाकर दिखाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सरसों हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो हम दोस्तों सरसों खेत में आ चुके हैं, तो यहीं से हम सरसों को उखाड़ेंगे दोस्तों। तो काफी सरसों बड़े बड़े हैं दोस्तों, बड़े वाले पौधे हम नहीं उखाड़ेंगे, तो छोटे वाले पौधे हम उखाड़ेंगे। तो यहाँ से हम इसी तरह सरसों को उखाड़ लेंगे। तो हम यहाँ से सरसों के पौधे को उखाड़ लेते हैं। तो इसी तरह हम दोस्तों जितना हमें ज़रूरत है सरसों के साग का, उतना हम सरसों का पौधा उखाड़ लेंगे। तो दोस्तों हमारे सरसों के खेत में बथुआ भी उगाया है, तो बथुए का पौधा भी हम उखाड़ लेंगे दोस्तों। सरसों के साग में दोस्तों बथुआ डालकर पकाने से खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो यहीं से हम बथुए को भी उखाड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन हम इसे अच्छी तरह से छाट कर उखाड़ लेंगे हम। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सरसों को उखाड़ लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा बथुआ भी हमने ले लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सब्जी के खेत में, जहाँ से हम लेंगे पालक को। तो दोस्तों हम पालक के खेत में आ चुके हैं, तो यहाँ से हम पालक को ले लेंगे। तो अच्छी अच्छी पत्तियों को हम हाथों से खोट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने कुएं के पास, तो यहीं पे हम सारी सब्जियों को अच्छे से धोएंगे। तो धोने से पहले हम इसको अच्छी तरह से काट लेते हैं। तो सरसों के बीज का भाग हम इस तरह तोड़ लेंगे, और बाकी की पत्तियों को हम बगल रख देंगे। तो कड़ी पत्तियों को हमें नहीं बनाना है दोस्तों, ये गलती नहीं है अच्छी तरह से। तो इस तरह हम यहाँ से बीच से नरम भाग हम तोड़ लेंगे। तो सरसों के साथ में दोस्तों हम यहाँ बथुए को भी इसी तरह से छाटते जाएंगे। तो डंठल से हम इसे कड़ा वाला डंठल निकाल देंगे, और नरम वाला डंठल हम ले लेंगे। तो सभी सब्जियों को हमने अच्छी तरह से छाट कर साफ कर लिया है, तो इसे हम पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो एक बड़े बर्तन में हम पानी को डालेंगे, और एक एक करके हम सभी सब्जियों को पानी से दो तीन बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। तो सरसों को सब्जी को हमने अच्छी तरह से धो लिया हुआ है, तो इसी तरह हम अब पालक को भी धो लेंगे दोस्तों। तो बथुए को हमने धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है, अब इसे हम रख देंगे दूसरे डलई में, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे हमने सारी सब्जियों को धोकर अच्छी तरह से रख दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये पालक में हमारे थोड़ा सा सोया जमा हुआ था, इसे भी मैंने उखाड़ लिया है। तो सरसों के साग और पालक के साग में अगर इसे डालें स्वाद बहुत ही अच्छा बन जाता है, तो इसे भी हम अच्छी तरह से छाट लेंगे, इसका डंठल हम अलग निकालेंगे। तो दोस्तों हम चूल्हे के पास आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने सब्जी ले रखी है, तो यहाँ पे हम एक कपड़े पर इस सब्जी को अच्छी तरह से काट लेंगे। तो काटने के लिए हमने हसिया लिया हुआ है, तो इसी से हम साग को अच्छी तरह से काट लेंगे। तो सब्जियों को हम थोड़ा बड़ा ही काट रहे हैं। तो सभी हरी सब्जियों को हमने काट लिया हुआ है, अब हम रखेंगे इसको भगोने में। तो चूल्हे में हमने आग को जला लिया है, अब यहाँ पे रखेंगे हम सरसों को, जो भगोने में हमने सरसों की पत्तियों को रखा हुआ था, और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। तो पानी डालने के बाद दोस्तों इसे हम ढककर अच्छी तरह से उबलने देंगे, तब तक मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। तो सरसों की सब्जी हमने रख दिया है उबलने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिया है बजड़ी का आटा, तो बजड़ी के आटे का हम बनाएंगे रोटी, जो कि सरसों के सब्जी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। और यहाँ पे हमने लिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा लिया है, देसी घी लिया है हमने, हल्दी पाउडर लिया है, सरसों का तेल लिया है हमने, और यहाँ पे तीन मिर्च लिया है हरी वाली,
अदरक लिया है, धनिया की पत्ती ली है और यहाँ पे 4 टमाटर लिया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम सरसों को अच्छी तरह से उबलने देते हैं। तो थोड़ी देर हो चुका है, अब इसे हम खोल कर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सरसों का साग काफ़ी हद तक उबल चुका है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी नमक ताकि ये और अच्छी तरह से उबल कर पक जाए। तो नमक को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो नमक को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है, अब इसे हम रख देंगे फिर उबलने के लिए। तो जब तक हमारा सरसों का सब्जी उबल रहा है दोस्तों, तब तक हम धनिया की पत्ती को काट लेते हैं, मिर्च को भी काट लेते हैं और टमाटर अदरक का हम पेस्ट बना लेते हैं दोस्तों। तो अब हम ढक्कन को दोबारा खोलकर देख लेते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरसों का साग हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। इसे हम हाथों से मसल रहे हैं तो मसल जा रहा है, इसका मतलब हमारा सरसों का साग पक चुका है। तो इसे हम नीचे उतार देते हैं। तो साग को उतारने के बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों हम बता दें कि इसको ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर जार में अच्छी तरह से पीस लेंगे। जब तक हमारा साग अच्छे से ठंडा हो रहा है तब तक हम बाजरे के आटे को भून लेते हैं। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी सरसों का तेल। तो तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें दोस्तों थोड़ा सा बाजरे का आटा भून लेंगे। तो बाजरे का आटा हमने वही लिया हुआ है जो उसकी हम बनाएंगे रोटी, तो उसी में से थोड़ा सा आटा हम भून रहे हैं सरसों के साग में डालने के लिए। तो इस तरह हमें चलाते हुए उसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेना है। तो बाजरे के आटे में से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों, इसका मतलब ये पक चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी अलग हो चुका है। तो इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। तो कढ़ाई को साफ करके हमने दोबारा चढ़ा दिया है दोस्तों। इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। तो जीरे को हम अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे। तो जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है दोस्तों, अब इसमें डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च डालने के बाद हम डाल देंगे टमाटर अदरक का पेस्ट। इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो टमाटर अदरक के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से पका लिया है, अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और इसी के साथ में हम डाल देंगे मिर्च पाउडर और इस सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे भी थोड़ी देर तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पे मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का साग जिसे हमने पेस्ट करके रखा हुआ है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो सभी मसालों को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है, अब इसमें डालेंगे हम बाजरे का आटा जिसे मैंने पहले ही भून कर रखा हुआ था, इसे हम डाल देंगे। तो इसे डालने के बाद दोस्तों इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसी के साथ में डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक पहले ही थोड़ा मैंने डाला हुआ था तो इसलिए हम थोड़ा ही नमक डालेंगे। तो नमक को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और मिलाते हुए हम इसे भून लेंगे। तो सरसों का साग हमारा पक चुका है दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया की पत्ती। तो धनिया की पत्ती हम थोड़ा पीछे ही डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बनी रहे। तो धनिया पत्ती डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला देंगे। तो सब्जी हमारी पूरी तरह से पक चुकी है, अब इसे हम नीचे उतार लेते हैं। तो दोस्तों साग हमारा बन चुका है, अब हम बाजरे का आटा गूंथेंगे। तो आटा गूंथने के लिए हम थोड़ा सा पानी को उबालेंगे। तो एक भगोने में हम पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों गर्म पानी से गूंथने से बाजरे का आटा जो है बहुत ही जल्दी बनने के लिए तैयार हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसलिए हम गर्म पानी से आटे को गूंथेंगे। तो दोस्तों पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम बाजरे के आटे को गूंथ लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंथ लेंगे। एक साथ में पानी को हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालकर आटे को लगाएंगे। तो बाजरे का आटा दोस्तों बिल्कुल अलग तरीके से गूंथा जाता है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इस तरह पानी को डालने के बाद हम इसे हाथों से
इस तरह हथेली से इसे दबाते हुए इसे गूंथेंगे हम। इस तरह गूंथने से आटा बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो थोड़ा पानी हम और डालेंगे। तो बाजरे के आटे को हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया है दोस्तों, अभी से हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। तो बाजरे की रोटी को बनाने के लिए हम तवा को गर्म कर लेते हैं। तो जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है दोस्तों, तब तक हम रोटी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ी सी हम बाजरे के आटे को लेंगे और एक लोई तैयार करेंगे। इसे हमें चौके बेलन से नहीं बनाना है दोस्तों, हमें हाथों से ही दबाते हुए इसे बढ़ाना है। तो इस तरह हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो इस तरह हम हाथों से इसे बढ़ाते हुए, हमारे यहाँ दोस्तों गांव में इसी तरह बाजरे की रोटी बनाई जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे बाजरे की रोटी किनारे से एकदम नहीं फटी हुई है, क्योंकि इसे हमने गर्म पानी से गूंथा हुआ था। तो आप ही गर्म पानी से गूंथेंगे तो आपकी रोटी इसी तरह तैयार होगी। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब इस पर डाल देंगे हम बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी को हम अच्छी तरह से स्लो आंच में हम पकने देंगे। तब तक हम दूसरी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बाजरे की रोटी हमारी एक तरफ से अच्छी तरह से पक चुकी है, इसे हम पलट देते हैं। तो इसे हम दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से पकने देंगे। तो हम बाजरे की रोटी दूसरी तरफ भी पलट कर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे से भी अच्छी तरह से पक चुका है, इसे सेकने के लिए हम नीचे उतार देते हैं। तो तवा पे हम डालते हैं दूसरी रोटी। तो जो रोटी हमने उतारी हुई थी इसे हम आग में सेक लेते हैं। तो इस तरह हम आग में इसे चलाते हुए घुमा घुमा कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो बाजरे की रोटी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फूल रही है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम बाजरे की रोटी सेक लेंगे। तो दूसरी रोटी को भी हमने पलट कर सेक लिया है, इसे भी हम नीचे उतार देते हैं सेकने के लिए। अब इस पर हम तीसरी रोटी रख देते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम सारी रोटियों को सेक लेंगे। तो दोस्तों सरसों का साग और बाजरे की रोटी मेरी बनकर तैयार है। दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।